एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक शीला नाम की औरत रहती थी। उसकी बेटी कॉलेज की छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने आया करती थी। माँ माँ देखो मैं आ गई। अरे रिया अब तुम आ गई हो तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे पास ही रहोगी। इतने दिन हो गए एक बार भी मिलने नहीं आई तुम। अरे माँ कॉलेज से 6 महीने में सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिलती है। अब मैं आ गई हूँ तो मैं अब पूरा गांव घूमूंगी और सबसे मिलूंगी। अगले दिन रिया अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। जब वो बाजार से लौटती है तो उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह कितना विशाल पेड़ है, पर इस पे ये क्या काला काला लटक रहा है। रिया थोड़ी घबरा जाती है और रिया उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगती है। रिया रिया वहां मत जाओ, वापस आ जाओ, वहां खतरा है रिया। पर तब तक रिया बरगद के पेड़ के दायरे के अंदर पहुंच चुकी होती है। तभी अचानक से रिया को बरगद की कोई ताकतवर शक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। माँ मैं खुद नहीं जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। माँ बचाओ मुझे, आ माँ बचाओ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो आत्मा उसे खींच रही है। मेरे चंगुल से कोई बच के नहीं जा पाएगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। वो आत्मा रिया के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है और रिया पर प्रभाव डालती है। तभी रिया की माँ उस आत्मा के आगे एक सिद्ध ताबीज कर देती है जिससे आत्मा कमजोर पड़ जाती है। और रिया को छोड़ देती है। रिया की माँ रिया को वहां से लेकर घर वापस आ जाती है। माँ उस बरगद के पेड़ में ऐसा क्या है जो आप मुझे वहां पे जाने से रोकती थीं? हाँ बेटा इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अभी उन सब बातों का कोई सबूत तो नहीं है, पर हमारे बड़े बूढ़े कुछ बातों का दावा करते हैं। माँ आप मुझे पूरी कहानी बताओ। रिया की माँ उसे कहानी बताने लगती है कि ये बात 2 लड़कों से शुरू हुई थी। एक दिन 2 लड़के राम और राजू एक लड़की को बहुत परेशान करते थे। देखो भाई ये लड़की कितनी खूबसूरत है। हाँ बे सही बोला तूने, एकदम पटोला लग रही है। यार चल इस लड़की का पीछा करते हैं, देखे तो ये लड़की कहाँ रहती है। भाई सुना है कि ये छोकरी रोज इसी रास्ते से आती जाती है। इनके पीछे एक बरगद का पेड़ था, वो ये बात सुन रहा था। राजू और राम एक प्लान बनाते हैं कि लड़की को कैसे फंसाएं। सुन तू शाम को 6 बजे इसी बरगद के पेड़ के पास मिलियो। ठीक है। दोनों वहां से चले जाते हैं। शाम के समय राजू बहुत दारू पीता है। दारू से धुत राजू उसी बरगद के पेड़ के पास आता है। राम पहले से ही बरगद के पेड़ के पास खड़ा होता है। तू मेरे से पहले आ गया, लगता है तुझे बहुत जल्दी पड़ी है। इतना बोलते ही वहां से रिया को आते देख राम और राजू पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो लड़की जैसे ही बरगद के पेड़ से गुजरती है वैसे ही दोनों उस पे हमला कर देते हैं। आहा, हमसे भी मिलती जाओ रानी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम दोनों और मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो, कोई मेरी मदद करो, छोड़ो।
राजू ने उस लड़की का गला पकड़ लिया और हवा में उड़ा दिया, जिसके कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। ये तूने क्या कर दिया? अब तो हम मरेंगे। मैंने तो बस गला पकड़ा था, मुझे क्या पता था इससे इसकी जान चली जाएगी। अब क्या करें हम? भागो वरना जेल हो जाएगी। जैसे ही दोनों भागने लगते हैं, बरगद की पेड़ की डाली उनके पैर पकड़ लेती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। बरगद की आत्मा उस लड़की के शरीर में घुस जाती है और लड़की जिंदा हो जाती है। उसके बाद रिया गांव में जाती है और जो भी उसके सामने आता है उसे वो मार डालती है। गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। भागो भूत, भागो वरना ये हम सबको बहुत मारेगा और ये मार डालेगा। एक दिन सब लोग मिलके एक तरकीब सुझाते हैं। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें मुनि बाबा के पास जाना होगा। हाँ, हम सब चलेंगे तभी हम सबकी जान बच सकती है उस भूतनी से, और कोई नहीं बचा सकता हमें। अगले दिन लोग मुनि बाबा के पास जाते हैं और उनके घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमारी मदद करो बाबा, हमारी जान खतरे में है। कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है घर के बाहर? इनको कुछ काम नहीं है चिल्लाने के अलावा। बाबा बाबा हमारी मदद करो बाबा, हमारी जान खतरे में है, भूतनी हम सबको मार डालेगी, हम गांव वालों को बचाओ। अब आप ही हम सबको बचा सकते हो बाबा, आप ही बचा सकते हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतना घबरा रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ और कौन सी भूतनी तुम्हें मार डालेगी? गांव के लोग उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। बाबा उन्हें एक शक्ति कब्ज देते हैं और बोलते हैं, इस शक्ति कब्ज को तब तक मत उतारना जब तक ये सब ठीक ना हो जाए। ठीक है बाबा। तुम एक काम करो, तुम उस भूतनी को कैसे भी किसी भी तरह से उस बरगद के पेड़ के पास लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और जब वह बरगद के पेड़ के पास आ जाए तब तुम कहीं छुप जाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर मत आना। फिर वो सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं और उस भूतनी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसके आगे भागने लगते हैं। वो भूतनी उनका पीछा करने लगती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, रुक जाओ रुक जाओ। गांव के लोग उसे बरगद के पेड़ के पास लेकर आ जाते हैं। मुनि बाबा एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और गांव के लोग भी छुप जाते हैं। फिर मुनि बाबा उस भूतनी के आगे एक तलवार फेंक देते हैं। वो भूतनी उस तलवार से अपना गला काट लेती है और वहीं मर जाती है। और गांव के लोग उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे उसके शरीर को गाड़ देते हैं और तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ के नीचे है और वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है और जो लोग उसकी तरफ जाते हैं उन्हें वो अपनी शक्ति से मार डालती है। तभी माँ, जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो,
इसीलिए कोई भी गांव के लोग उस पेड़ की तरफ नहीं जाते।